सो हेलो गाइज, वी आर बैक विथ आर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस टूल किट की। तो गाइज़, ये एक टूल किट है जो कि आपके बाइक मेंटेनेंस के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। तो गाइज, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है वो है फैब इनोवेशंस। तो गाइज, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेस किया है, आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइज, अभी खोलते हैं इसके बॉक्स को और देखते हैं हमें किस तरह से इसके अंदर इसकी पैकेजिंग मिली है। तो गाइज़, मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है वो है फैब इनोवेशंस, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टूल्स बनाते हैं व्हीकल मेंटेनेंस के लिए। और गाइज़, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा मुझे लगता है कि हर घर में एक टूल होना चाहिए। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये है 46 पीसेस वाला डॉक्टर सॉकेट व्रेंच सेट। तो गाइज़, ये जो बेसिकली एक टूल किट है जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे जो है सॉकेट्स, बहुत सारे व्रेंचेस मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टूल किट है कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड टूल्स, व्रेंचेस, सॉकेट्स, रैचेट्स और व्हीकल मेंटेनेंस और रिपेयर टूल्स। तो गाइज़, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो है ये टूल किट है। आप देख सकते हैं बॉक्स के इस तरफ लिखा हुआ है ऑटो टूल्स। तो गाइज, इस तरफ भी ऑटो टूल्स लिखा हुआ है बॉक्स के। पीछे की तरफ जो है इसके थोड़े बहुत जो है स्पेसिफिकेशंस नहीं बोल सकते हम, इसके अंदर के कंटेंट्स है। तो गाइज, चलिए इस बॉक्स को मैं फटाफट खोल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर के सारे कंटेंट्स। लेकिन गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि गाइज ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है और हर एक के पास ये एक प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप देख सकते हैं गाइज, रेड कलर में हमें हमारा जो है ये टूल किट मिला है। तो गाइज, इसकी जो कवर की जो क्वालिटी है, केस की जो क्वालिटी है, वो मुझे अच्छी लगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन गाइज बेस्ट है, क्योंकि गाइज मैंने आपको इसकी प्राइस बताई नहीं थी, तो मैं इसकी प्राइस मेंशन कर रहा हूँ। इसकी प्राइस है 850, लेकिन जो प्राइस है इसकी वो स्विच होती रहती है, लाइक 850 या कभी 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 900 हो जाता है या कभी कभी 830 हो जाता है। तो चलिए गाइज, फटाफट मैं खोल देता हूँ इसको। लेकिन गाइज, मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसका जो ये ओपनिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है, मुझे लगता है अगर मैं इसे बार बार ओपन या क्लोज कर देता हूँ तो ये में भी टूट जाएगा। क्वालिटी इसकी इतनी भी कुछ खास नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाइज, कुछ इस तरह से है हमारा ये टूल किट। तो गाइज, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्बिनेशन टूल्स है, इसमें हमें हैंड टूल्स मिल रहे हैं, रेंचेस, सॉकेट्स, रैचेट्स और बहुत सारे जो है टूल्स मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एलन की बोल्ट्स भी है। तो गाइज, मैं अभी आपको एक एक जो है प्रोडक्ट, एक एक जो इसके जो टूल्स है वो सब आपको मेंशन करूँगा। जो ऊपर की लाइन में गाइज, हमें सब स्क्रू ड्राइवर्स के जो टूल्स है वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके एक्सटेंशंस की जो क्वालिटी है वो भी गाइज इतनी मतलब कुछ पुअर क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं नीचे स्टील है और ऊपर की तरफ जो है ब्रॉन्ज या कुछ अलॉय मेटल का होगा। तो गाइज, ऊपर की तरफ हमें मिल जाते हैं सारे स्क्रू ड्राइवर्स और जो सेकंड लाइन आप देख रहे हैं उसमें आपको सारे एलन की बोल्ट्स मिलेंगे। तो आप इसकी मदद से एलन की जो बोल्ट्स हैं आपके वो ओपन कर सकते हैं। तो इसकी भी गाइज जो नीड है वो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत होती है। उसी के साथ जो नॉर्मल हमारे नट बोल्ट्स होते हैं उन्हें भी ये गाइज ओपन करने के लिए हमें जो एक्सटेंशंस है वो दिए गए हैं। तो उनकी भी क्वालिटी गाइज बहुत ही अच्छी है और हैवी क्वालिटी के लग रहे हैं मुझे कंपैरेटिवली। ऊपर के दो जो थे उनसे ज़्यादा मुझे ये थोड़े बिल्ड क्वालिटी में अच्छे लगे। तो चलिए गाइज, रख देता हूँ मैं इनको साइड में। आप देख सकते हैं इसमें हमें मिले हैं तीन छोटे छोटे हेक्स कीज। तो गाइज, ये भी बहुत ही काम के टूल्स है जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में, बाइक रिपेयरिंग्स में आपको ये लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है इसका फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन। तो इसकी मदद से आप कहीं पर भी अगर बोल्ट हो तो 360 डिग्री है जो इसका एंड है, ये रोटेट होता है, तो आपको बहुत ही मदद होगा उसे टाइट या लूज़ करने में। तो गाइज, ये बहुत ही मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट टूल होगा हर एक टूल किट में और ये हमें इसमें भी मिला है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज मुझे लगता है इसमें बहुत सारे टूल्स मिले हमें, टोटल 46 टूल्स है। ऐसे कुछ छोटे मोटे एक्सटेंशंस भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये इसकी मदद से इसकी जो लेंथ है वो एक्सटेंड होगी। तो ये एक्सटेंशन बार्स जो है वो बहुत ही अच्छे है, तीन साइजेस में हमें इसके एक्सटेंशन बार्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, हैवी क्वालिटी के जो है सारे एक्सटेंशन बार्स हमें मिले हैं।
उसी के साथ आप देख सकते हैं ये है फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन बार, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है हर एक टूल किट में। आप देख सकते हैं मैं इसको फ्लेक्सिबली इसकी आपकी फ्लेक्सिबल मूवमेंट दिखा रहा हूँ आपको इसकी। तो गाइस ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल मुझे इसमें लगा। उसी के साथ ये है एडजस्टेबल एक्सटेंशन बार, तो आप इसको किसी भी तरह से जिस भी डायरेक्शन में आपको इसको एडजस्ट करना है उस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर वाले जो एक्सटेंशन है, फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर अगर आपका होगा तो आप इसको लगा सकते हैं। तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा टूल मुझे इसमें लगा। ये एक स्क्रू ड्राइवर है लेकिन इससे सिर्फ आप स्क्रूज टाइट नहीं कर सकते, बट आप एलन की बोल्ट्स भी इसकी मदद से जो है खोल सकते हैं। उसी के साथ नॉर्मल नट बोल्ट्स भी आप मदद से खोल सकते हैं। मैं आपको गाइज बस एक दो आपको इसमें इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं अभी ये कम्प्लीट फंक्शनिंग टूल हो चुका है। अगर मुझे नट बोल्ट्स टाइट करना है तो मैं इसके ऊपर के एक्सटेंशन जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ और नॉर्मल नट बोल्ट्स भी इसकी मदद से टाइट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये है इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल, इसका मेन हैंडल बार। तो गाइज इसका जो हैंडल की क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। ये कम्प्लीट मेटल की क्वालिटी से बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। और कंप्लीट मेटल के साथ होते हुए भी इसको गाइज हमें एक रबर हैंडल मिला है हमारी जो है हैंडल ग्रिप के लिए। तो इसकी गाइज आप साइज़ जज कर सकते हैं, मैंने इसको अभी हाथ में पकड़ा हुआ है। तो गाइज उसी के साथ इसके पीछे एक छोटा सा स्विच दिया गया है, तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर से इस स्विच को अगर आप ऊपर कर देते हो तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। अभी गाइज मैंने इसके सामने जो है एक्सटेंशन लगा दिया है और अभी मैं आपको एक दो डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप्स के नट आपको खोल के दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये था कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस 46-in-1 पीसेस टूलकिट का। तो गाइज़ आप बताइए आपको ये टूलकिट के बारे में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शंस में। उसी के साथ गाइज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो गाइज़ आप इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।